दोस्तों, जब जब श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया है, तब तब उनके साथ शेषनाग भी किसी न किसी रूप में अवतरित हुए हैं। जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अपना सातवां अवतार लिया था, तब श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और शेषनाग भी धरती पर जन्मे थे, जहां एक और त्रेता युग में भगवान विष्णु ने चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया था, तो वही माता लक्ष्मी जी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया था। इसके अतिरिक्त शेषनाग श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। श्रीराम के अन्य दो भाई यानी कि भरत और शत्रुघ्न भी अवतार पुरुष थे। भरत भगवान विष्णु के हाथ में सुशोभित सुदर्शन चक्र के अवतार थे, तो वहीं शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथ में स्थापित शंख के अवतार रूप थे। इसके अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को लेकर यह वर्णित है कि वह नाग लक्ष्मी का अवतार थी और शेष नाग का नाग लक्ष्मी से त्रेता युग में विवाह हुआ था। लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को पति से अलग अकेले काटनी हुई। लेकिन दोस्तों, उर्मिला ने इन 14 वर्षों तक क्या किया, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा और सनातन के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर रोने के बाद चुप हो जाते थे, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लिटाया गया, तब जाकर उनका रोना बंद हुआ था। तब से वह हर वक्त राम की परछाई ही बनकर रहे। लक्ष्मण जी के लिए राम ही माता, पिता, गुरु, भाई, दोस्त सब कुछ थे, और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को यह कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया, तो लक्ष्मण ने भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वह वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएंगी तो उनके काम में विघ्न होगा। लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें कि वह अपने पति की सेवा करना चाहती है, पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती है, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक, मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण ने उर्मिला से यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। दोस्तों, उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की यह बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गई। दोस्तों, जब लक्ष्मण जा रहे थे, तब सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू नहीं बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके जीवन की तो अब भी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि मां और सखियों के संग उर्मिला का पतिवियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा, पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनका साथ छोड़ना उसके लिए अधर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे।
तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुईं। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी ना किसी को लेना होगा। जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती ही रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। दोस्तों, कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी। ये देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी भी नींद में है, जब मैं उपासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जीवन जीवन से आए और पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी, ये 14 साल तक उर्मिला सोती रही थी और इतने दिनों में लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। ऐसे में अगर बात करें निद्रा देवी के वरदान की, तो दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वह 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगी उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। ऐसे में लक्ष्मण जी राम का राज तिलक नहीं देख पाए। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। अब आप सोच में आ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी, तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ देना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा, इसीलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए थे। तो दोस्तों, लक्ष्मण की उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र हुए और सोमदत्त नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदपुरी और चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रता का बल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण बना था। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना जाता है कि उर्मिला के नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वह अनमोल पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वह पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधू अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी नव विवाहित स्त्री के लिए इससे बढ़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। इसीलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसीलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी हैं। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्ति तत्व सबसे ज्यादा सम्मानीय और पूजनीय होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।